नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को इस नववर्ष की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामना। आपका ये नया साल बहुत ही अच्छा और कामयाब रहे और आप स्वस्थ होकर के रहें। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो में बहुत सारी ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके लिए शायद लाभप्रद हो, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा धीरज के साथ संपूर्ण वीडियो को देखें। आपके मन में जो भी सवाल हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। नया साल आ गया है 2024। पिछले साल में जो भी हमने गलतियाँ की, जो भी नुकसान हुए, जो भी हमको शारीरिक या मानसिक या किसी भी प्रकार की क्षति हुई, उनको भूल करके 2024 में एक नई शुरुआत, एक नई उमंग, एक नई ताजगी के साथ हम आगे बढ़ सके। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हर एक इंसान स्वस्थ और बिल्कुल कामयाब जिंदगी का आनंद उठा सके। इसके लिए हमें कुछ नियमों पर जरूर चलना होगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हमको किसी अच्छे नतीजे का उम्मीद है तो उस नतीजे के लिए हमें बहुत इंतज़ार, धीरज, लगन, मेहनत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक समय तक, एक अवधि तक इंतज़ार करना चाहिए। सभी लोग चाहते हैं कि पूरे साल भर स्वस्थ रहे और उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो और अपने हर काम में कामयाब हो। तो कोशिश करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, अच्छी लाइफ स्टाइल पर चले, अच्छे लाइफ स्टाइल के साथ साथ अच्छे हैबिट्स पे फॉलो करें, अडॉप्ट करें, उनको पालन करें। इसके अलावा कोशिश ये करें कि जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है उसको उचित जगह पर जानकारी ले, और ज़िंदगी में सही चीज़ सही समय पर फॉलो करने से ही कामयाबी आ सकता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अपने को नेचुरली या प्रकृति के साथ जोड़ करके रखें। हेल्दी हैबिट्स में आप योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इनको रेगुलरली एक्टिविटी में रखिए। कोशिश कीजिए घर में पकाए हुए खान पान को एकदम ज़्यादा मसाले में नहीं, ज़्यादा तेल में नहीं, नॉर्मली आप खाने पीने को रखिए। और कोशिश कीजिए पानी को भरपूर पीने के लिए। प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, रात भर जगे नहीं रहिए, मोबाइल में ज़्यादा समय नहीं निकालिए, कंप्यूटर पे भी ज़्यादा समय नहीं निकालिए। कोशिश कीजिए जब भी रेस्ट का मौका मिलता है, विशेषकर रात्रिकालीन, तो अच्छे से 6-7 घंटे ज़रूर सो जाए। रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाए। संभावित किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर के संपर्क में रहे। और कोशिश यही कीजिए कि जो भी आपको सलाह दी जाती है उसको सही ढंग से पालन करें, तभी आपके जो उद्देश्य हैं वो पूरे होंगे और जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। तो कर्म में भी ईमानदारी होना चाहिए, कर्म में भी निष्ठा होनी चाहिए, कर्म में भी हमारी एक एकाग्र कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन को लॉस नहीं होने दीजिए, ईमानदारी से चलिए, कर्मठता के साथ चलिए, तभी नया साल कामयाब हो जाएगा। ये सभी इंडिविजुअल को, सभी इंसानों को फॉलो करना चाहिए। ये सिर्फ आपके लिए सलाह नहीं, ये मुझे भी पालन करना चाहिए, सभी को पालन करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारा दुनिया आगे बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ तो ये हैप्पी न्यू ईयर का ये मूल मंत्र होना चाहिए और हैप्पी न्यू ईयर विथ हेल्दी लाइफ स्टाइल, ये ज़रूर सभी को फॉलो करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।